एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है, हमारे साथ मनमोहन जी जुड़े हैं गाजियाबाद से। नमस्कार मनमोहन जी, पूछिए अपना सवाल। मनमोहन, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मुझे GIC के बारे में पूछना है। मेरे पास में GIC के 800 शेयर हैं और उसकी मेरी पोजीशन है 507 की। ठीक है, बाइंग प्राइस। तो ये मैं इसके लिए वेट करूं या पोजीशन क्लियर करूं? ठीक है, अभी आप कुछ और समय दे सकते हैं अपने निवेश पर? जी कुछ टाइम मैं दे सकता हूँ फिलहाल। ठीक है सुमित, GIC हाउसिंग 507 की इनकी खरीद है, 502 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में आज भी अपटिक्स नजर आ रहे हैं। अगर मीडियम टर्म का नजरिया हो तो GIC हाउसिंग आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए, GIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसने पिछले 1.5 महीने के अंदर स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया। लोअर लेवल से ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर, स्टॉक ने इतनी बड़ी तेजी दिखाई है तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है। नीचे में शायद 480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम स्टॉक ऊपर में इस बार 525 जब भी ब्रेक करेगा तो इस स्टॉक में हमको 580 से 600 के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप आती है तो उसके अंदर पैनिक ना हो, होल्ड करें। स्टॉक में ऊपर में 525 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद 10-15% की तेजी मान के चले। जी तो बने रहे, अगर कोई भी तेजी मिलती है तो हो सकता है 10-15% तक का अपसाइड भी खुलता हुआ दिखाई पड़े। आप बने रहे, आपको ये राय दी गई है। बातचीत करने के लिए अरविंद हैं, गुरुग्राम से मौजूद हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्ते सुमित। नमस्कार अरविंद जी, मॉर्निंग। जस्ट वांटेड टू आस्क कि मेरे पास LNT है @1400 और 10 शेयर्स, और पूछना चाहता था कि शुड आई एग्जिट एट दीज लेवल्स। और एक सेकंड क्वेश्चन था कि HCL में आई वांटेड टू एंट्री, इज इट द राइट टाइम और शुड आई वेट? HCL टेक और HCL इन्फो? HCL टेक। ओके अरविंद जी, आपने जो ये LNT में पोजीशन ली थी इसमें टाइम फ्रेम क्या रखा था अपना जब आपने निवेश? मेरे को हो गया करीब 1.5 साल और आई कैन वेट आल्सो। 1.5 साल में आपने 300 रुपए मुनाफा लेकर ही आप निकलना चाह रहे हैं मात्र, जबकि LNT में काफी पोटेंशियल है? And suddenly you had the world's largest ever financial inclusion program, literally within a matter of days and weeks, in which the banking industry had played a pivotal role. Then came an emphasis on the unique identity. Earlier, the government had conceived the Aadhaar legislation, which only provided for the procedure by which you get a unique identity number. What do you do with that number? I think it was a learning curve and therefore it was not clear. And suddenly we brought in the legislation which led to the central and the state governments making sure that a very large number of payments, from subsidies to scholarships to pensions to payments under the Rural Employment Guarantee Scheme, these could all be sent into these accounts which were otherwise not having any balance in it. And suddenly most of these accounts started having a balance. And as we stand now, if you now start putting all the pieces together, you are actually moving towards a situation where one program of the government says that every home in a village should have a toilet. The next program says that every kitchen in a village must have a cooking gas connection. Every village house must have a bank connection,
a bank account linked to it. And one of the fascinating features of this country has been that people are extremely flexible in adapting to technologies. There are some which who may have a technology blockade in their minds, but that can't really be said of the entire set of emerging generation in this country. And this got proved. And therefore, a lot of what was written about and spoken about, even by men with a credible record on demonetization, India proved every bit of it to be wrong. So there was no 2% dip in the GDP. There was no disappearance of demand. There was no agrarian crisis. In fact, the agriculture sowing went up. And suddenly you found the whole debate in this country taking a new turn. And I'm personally very glad that some obsolete ideas are clashing with some newer ones. And therefore, out of the debate itself, I have not the least doubt which side of the argument would win. So if somebody would say that electronic machines are terrible and we must go back to paper, we know eventually what the conclusion of this debate is going to be. Or that cash currency is superior to any form of digitization. For that matter, arbitrary selection of individuals is better than the unique identity. Now, if you see these isolated pieces together, this is a debate which is on. But which side the logic would be weighed in, I have no doubt who eventually would be the winner in this debate, in the argument itself. तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री को आईसीआईसीआई बैंक के रूरल समिट में बातचीत करते हुए. इनफैक्ट आप वित्त मंत्री को आज भी सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ये जी बिजनेस के साथ आज शाम 6 बजे एक खास कार्यक्रम में जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री का पूरा टेक क्या है और किस तरह उन्होंने आउटलुक देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का इस पूरे ही बदलाव के बाद. इस पर एक खास चर्चा उन्होंने की है, उस पर आप हमारी खास पेशकश देख पाएंगे. लेकिन मार्केट्स में एक डिप आया है और बाजार दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है. जो एक तेजी बाजार ने मतलब जो बाजार ने तेजी बनाई थी वो एक एक अब वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है. निफ्टी 9321 के लेवल पर आ चुका है, 17 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है. अरविंद से हम बातचीत कर रहे थे. अरविंद का सवाल था एलएनटी को लेकर, 10 शेयर है इनके पास 1400 रुपए के दाम पर. राजेश, एलएनटी इन्होंने खरीदा 1.5 साल पहले, होल्ड भी किया लेकिन मुनाफा सिर्फ 300 रुपए का है, 350 रुपए का. क्या एलएनटी का पोटेंशियल सिर्फ इतना है, निकल जाए इसमें से और एचसीएल टेक में निवेश करें, या फिर अभी इसी के साथ ही बने रहें और पैसा डालें, वेट करें, अच्छा पोटेंशियल बाकी है और पैसा कमा सकते हैं? सुमित, जैसा कि आपने कहा कि इस स्टॉक में और भी बहुत पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि सही कहा आपने, इसमें बिल्कुल बहुत पोटेंशियल है. अगर आप ऑर्डर बुक की तरफ ध्यान दें, एक बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, चौथी तिमाही के शानदार नतीजे आने की उम्मीद है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर से इनका अच्छा बिजनेस आ रहा है. और जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर में नए निवेश की, तो लार्सन से अच्छा कोई दूसरा विकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो हो ही नहीं सकता है. मैं नहीं समझता कि इस वक्त जहाँ कहीं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए यूएस से जो नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो अनिश्चितता बनी हुई है, उस माहौल में एलएनटी का पैसा किसी टेक्नोलॉजी स्टॉक में लगाया जाए. बेहतर होगा कि आप एलएनटी के साथ ही बने रहें, एक थोड़ा सा लंबा होराइजन रखें और यहाँ से बहुत अच्छे मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है. राइट, चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.